नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अगर आप भी ट्रेन से यात्रा करने वाले हैं और वो भी आने वाले एक दो दिनों में, तो हमारी ये खबर आपके लिए कुछ खास है, क्योंकि बिहार की कई ट्रेनें आने वाले दिनों में रद्द, तो कई ट्रेनें आने वाले दिनों में बदले हुए रूट से चलने वाली है। भारतीय रेलवे की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार जमालपुर में नए टनल और डबल लाइन को चालू करने के लिए जमालपुर और रतनपुर स्टेशन के बीच नॉन इंटरलॉकिंग का काम शुरू होने वाला है, जो कि आज यानी कि बुधवार से शुरू हो गया है। इसके लिए ट्रैफिक ब्लॉक किया जाएगा। ट्रैफिक ब्लॉक का समय विभिन्न तारीखों में अलग अलग निर्धारित किया गया है। 3 से 4 घंटे ब्लॉक लिया जाएगा। इन कार्यों के लिए कई ट्रेन रूट बदल कर चलाई जाएंगी। कई ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट तो कई ट्रेनों का परिचालन रद्द रहेगा। इसको लेकर बीते दिन ही मालदा मंडल के सीनियर डिविजनल ऑपरेटिंग मैनेजर राजेश कुमार की तरफ से ट्रेनों के परिचालन संबंधित प्रस्ताव डीआरएम यतेंद्र कुमार सहित पूर्व रेलवे को भेज दिया गया है। भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार आज विक्रमशिला एक्सप्रेस भागलपुर स्टेशन से 60 मिनट तो भागलपुर के रास्ते चलने वाली बांका राजेंद्र नगर इंटरसिटी 90 मिनट बांका से लेट खुली। वहीं साहिबगंज जमालपुर पैसेंजर भागलपुर तक चलेगी। हालांकि ध्यान रहे, ट्रेनों की स्थिति सिर्फ आज ही नहीं बल्कि ट्रेन परिचालन की स्थिति गुरुवार को भी ऐसी ही रहेगी। वहीं आइए अब आपको बताते हैं कि कौन कौन सी ट्रेन का परिचालन आने वाले दिनों में प्रभावित रहने वाला है। गाड़ी संख्या 1304/6 जमालपुर भागलपुर पैसेंजर शुक्रवार को नहीं चलेगी। 1304/9 मालदा क्यूल इंटरसिटी भागलपुर तक ही चलेगी। विक्रमशिला एक्सप्रेस के परिचालन रूट में बदलाव किया गया है। ये ट्रेन दुमका, रामपुरहाट, आसनसोल, झाझा, जसीडी, क्यूल होकर चलेगी। वहीं शुक्रवार को ही 13,419 अप भागलपुर मुजफ्फरपुर जनसेवा एक्सप्रेस दोपहर 2:20 की जगह शाम 4:05 भागलपुर से रवाना होगी। 1-3-2-4-5 अब साहिबगंज दानापुर इंटरसिटी विलम्ब से दोपहर 3 साहिबगंज स्टेशन से खुलेगी। ट्रैक्शन का काम होने के कारण शनिवार को विक्रमशिला एक्सप्रेस जमालपुर तक डीजल इंजन से और इसके बाद इलेक्ट्रिक इंजन से चलेगी। वहीं मालदा क्यूल इंटरसिटी भागलपुर तक इलेक्ट्रिक इंजन से चलेगी। वहीं गाड़ी संख्या 2-2-4-0-5, 2-2-4-0-6 गरीब रथ एक्सप्रेस रद्द रहेगी। 1-3-4-1-9 अप जनसेवा एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय दोपहर 2:20 की जगह 3:05 पर भागलपुर से खुलेगी। वहीं रविवार को जनसेवा एक्सप्रेस नहीं चलेगी। रविवार को ही जमालपुर भागलपुर पैसेंजर रद्द रहेगी। गाड़ी संख्या 1-3-4-0-9, 1-3-4-1-0 मालदा क्यूल इंटरसिटी और साहिबगंज जमालपुर पैसेंजर भागलपुर तक ही आएगी। वहीं विक्रमशिला एक्सप्रेस को दुमका के रास्ते चलाई जाएगी और गया हावड़ा एक्सप्रेस भागलपुर से रद्द रहेगी। इस ट्रेन का परिचालन आसनसोल होकर किया जाएगा। इसके अलावा अजमेर शरीफ एक्सप्रेस जसीदी बांका होकर भागलपुर जाएगी। रविवार को ही साहिबगंज दानापुर इंटरसिटी 40 मिनट लेट साहिबगंज स्टेशन से रवाना होगी। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।